हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी पार्ट टू। इससे पहले इकोलॉजी पार्ट फर्स्ट था आपके 1000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाए थे दो चैप्टर्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। उसमें जितने भी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया। तो इस पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ दो चैप्टर्स आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यू। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपको उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि कौन सा रीजन है ग्लोब पे जिसपे सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है मेडागास्कर, सेकंड है हिमालय रीजन, थर्ड है आपका अमेजन फॉरेस्ट और फोर्थ है आपका वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट जो है अकेला ही बहुत बड़ा अर्थ का एक पार्ट जो है कवर करता है, जिसमें प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज बहुत ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी है। तो सबसे ज़्यादा ग्लोब पे अगर डाइवर्सिटी है तो किस में है? अमेजन फॉरेस्ट में है। तो आपका ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर इंडिया की वो बात करता तो वेस्टर्न घाट जो है हिमालय रीजन का, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी होती। और ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आगे भी देखने को मिलेगा जहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, जो रॉबर्ट मे हैं उनके अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है? तो ये क्या है, एक बहुत ही एक उम्दा जो है बायोलॉजिस्ट या आप कह सकते हो इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किया था। रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीसीज के बारे में कई थ्योरीज दी, तो उनके अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज हैं अर्थ पे? अप्रोक्स 7 मिलियन स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ और ग्लोब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। तो आपका ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या था? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था जिनके अकॉर्डिंग ये था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ेंगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेंगी। तो यहाँ पे आपको हम देखते हैं क्या है, स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया, ये गलत है। नेक्स्ट है स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। तो आंसर नंबर सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये दे रखे हैं चार ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कौन या कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनमें से बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इंसीटू एक्सीटू कंजर्वेशन में से कंजर्वेशन में से पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हीं के एग्जाम्पल जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स वहाँ पे डिलीट करा सकता है गलत, और सही से आपको वहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, इन सीटू कंजर्वेशन, जो इन सीटू कंजर्वेशन है उसका एग्जाम्पल ये कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका किसका एग्जाम्पल है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका आता है इन सीटू में आता है। तो ये आपका पॉइंट, तो ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है एक्स टू कंजर्वेशन सेक्रेड ग्रूव, जो सेक्रेड ग्रूव है वो किस में आता है? एक्स टू में आ रहा है, तो क्या गलत है, क्योंकि सेक्रेड ग्रूव भी आपका किस में आता है? इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। सेक्रेड ग्रूव होते क्या हैं, जिसमें जो है थ्रेटेंड और एंडेमिक स्पीसीज जो हैं प्लांट एनिमल वो पाए जाते हैं, उसको सेक्रेड ग्रूव कहते हैं। तो ये आपका क्या है, एक्स टू कंजर्वेशन में नहीं है, इन सीटू कंजर्वेशन में है। दूसरा कराया इन सीटू कंजर्वेशन सीड बैंक, तो सीड बैंक जो है आपका ये भी ये किस में आता है? एक्स टू कंजर्वेशन में आता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड है आपका एक्स टू कंजर्वेशन, इसमें क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन आपका किस में आता है? ये आपका आता है एक्स टू कंजर्वेशन में। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। तो ए एंड डी ऑप्शन जो है आपके दोनों यहाँ पर ठीक हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएगा ए एंड डी ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू बी एक्सटिंक्शन, ये कह रहा है कि कौन सा रीजन है सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से स्पीसीज का जो है लॉस होता है। अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको क्या है क्लियरली सबसे पहले इस पॉइंट में दिख रहा होगा, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज़ द मेजर रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। तो आपका ऑप्शन नंबर टू जो है यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेरियस गैरिपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैरेक्टराइज एज। तो ये कह रहा है कि ये जो है फिशेज का जो इंट्रोडक्शन किया था रिवर यमुना में, उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत से जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, जो फिशेज थे, वो क्या है वहाँ से एक्सटिंक्ट होने लगे। तो आप इसको क्या कहोगे, ये कह रहेगा वहाँ पे एलियन स्पीशीज इन्वेशन की, बाहर से कोई स्पीशीज को लाया गया और उसकी वजह से वहाँ पे इन्वेशन हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये आपका आंसर नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्टर्न घाट हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट में बहुत सारे प्लांट एनिमल हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहेंगे, ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। द स्पीसीज विच फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इट इज़ नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। तो ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एंडेमिक स्पीसीज वाला क्वेश्चन है, जो आंसर है, ये क्वेश्चन आपके, अगर मैं बात करता हूँ लास्ट 20 ईयर जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उनमें कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन अकेला पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके वल्नरेबल और थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या हैं एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, कोएक्सटिंक्शन आर कॉज ऑफ। ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के सबसे बड़े कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा लॉस किससे होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से, फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, फिर एलियन स्पीसीज के इन्वेशन से, और फिर कोएक्सटिंक्शन से। ये चारों ही जो पॉइंट हैं आपके एनसीईआरटी में सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं कि किससे सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये चारों जो हैं किसके क्या कॉज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस आंसर नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्सटिव कंजर्वेशन, कि इनमें से कौन सा आपका मेथड है जो एक्सटिव कंजर्वेशन में नहीं आता है। तो आपका जो है क्राय प्रिजर्वेशन एक्सटिव में आता है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक्सटिव में आता है, माइक्रो प्रोपगेशन भी आता है, नेशनल पार्क आपका इंस्टिट्यूट कंजर्वेशन में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें जो एग्जाम्पल हैं इंस्टिट्यूट एक्सटिव के, आप साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपको इंस्टिट्यूट एक्सटिव के जो एग्जाम्पल है आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंस्टिट्यूट कंजर्वेशन रेफर्स टू, जो इंस्टिट्यूट कंजर्वेशन है उसका मतलब क्या होता है। इंस्टिट्यूट कंजर्वेशन मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करना एनिमल को, प्लांट को, मैं या पूरे होल इकोसिस्टम को, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम इज नोन एज इंस्टिट्यूट कंजर्वेशन। क्या कहते हैं उसको, हम इंस्टिट्यूट कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एविल क्वार्टर, ये कह रहा है कौन सा है जो एविल क्वार्टर के अंडर आता है। तो इनमें से हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, मोर्टिलिटी, कॉम्पिटिशन। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपके एविल क्वार्टर में जो है चार जो 4 जो थे आपके क्या थे मेजर कॉजेज बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वो क्या थे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, को एक्सटिंक्शन। ये चार चीज़ें थी जिनमें से क्या है, यहाँ से आप पूछ रखा है कि एविल क्वार्टर में इनमें से कौन कौन से आते हैं। तो क्या है आपका, ए बी एंड सी जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, जिसमें ए बी और सी है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका किसमें करेक्ट हो जाएगा, जो आपके एविल क्वार्टर में आता है। नेक्स्ट है आपका, सीपीसी एरिया रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस में जेड लॉग ए। यहाँ पे जेड क्या है, तो जेड क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन है। जेड क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन है। ये भी आपकी इक्वेशन किसमें है, एनसीईआरटी में दे रखी है बखूबी, तो एक बार यहाँ पे भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका प्लेडेड फोर, कि 2002 में जोहान्सबर्ग में जो एक वर्ल्ड समिट हुआ था वो किसके लिए हुआ था। तो ये किसके लिए हुआ था, इट इज़ प्लेड फोर ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है डे बाई डे, उसको कैसा कम किया जाए, उसके लिए ये 2002 में जोहान्सबर्ग में क्या है, वर्ल्ड समिट किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें आपको क्या करना है, देखना है कि आपको मैच करना है
कि कौन सा जो है ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे आपका सेक्रेड ग्रुप, आपने अभी पढ़ा है, तो सेक्रेड ग्रुप आपका किस में आता है? सेक्रेड ग्रुप आपका आता है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में। तो किस में आता है सेक्रेड ग्रुप आपका? इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। और ये ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं है, इसमें दिखा रखा है कि ये आपका। अच्छा आगे पढ़ते हैं, जो जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क आपका जो जूलॉजिकल पार्क होता है ये आता है आपका किस में आता है? एक्स टू कंजर्वेशन में आता है। किस में आता है? एक्स टू कंजर्वेशन में आता है। नील पर्च जो है क्या है? एलियन स्पीसीज है। अमेजन फॉरेस्ट क्या करता है? अमेजन फॉरेस्ट रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। और सेक्रेड ग्रुप आपका कहाँ पे है? ये है आपका खांसी हिल्स इन मेघालय। कहाँ पे है आपका ये सेक्रेड ग्रुप? खांसी हिल्स इन मेघालय में है, खांसी हिल्स मेघालय में। तो आपके ऑप्शन देखो दोबारा से करेक्ट हो जाएंगे। सेक्रेड ग्रुप कहाँ पे हैं आपके? खांसी हिल्स इन मेघालय। जूलॉजिकल पार्क आपका आता है एक्स टू कंजर्वेशन में। नील पर्च आपका क्या है? एलियन स्पीसीज है जो इन्वेस्टमेंट करता है। और अमेजन फॉरेस्ट क्या करता है? रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह आपके मैसेज यहाँ पे क्या हैं? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वेस्टर्न घाट हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड। ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज प्लांट एनिमल पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है इसी वीडियो में, और इस वीडियो में ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए थे नीट में AIPMT उनमें रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स टू कंजर्वेशन। ये कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं जिनमें क्या है वो एक्स टू कंजर्वेशन में आते हैं एक्सेप्ट कि एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपका देखो वाइल्ड लाइफ सफारी, ये किस में आता है? तो वाइल्ड लाइफ सफारी जो है आपका ये आता है आपका किस में? एक्स टू कंजर्वेशन में आता है। सेकेंड ग्रुप किस में आता है आपका? इंस टू कंजर्वेशन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बॉटनिकल जो गार्डन है ये किस में आता है आपका? एक्स टू कंजर्वेशन में। सीड बैंक भी आपका एक्स टू कंजर्वेशन में आता है। तो यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप जो है आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने पूछा है एक्सेप्ट, तो ये ही नहीं है, ये इंस टू कंजर्वेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट। कि इनमें से कौन सा है जो एक्स टू कंजर्वेशन में आता है जो कलेक्ट करता है किसको? थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट। तो यहाँ पे देखो हम कवर करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं वो क्या हैं आपके? एक्स टू कंजर्वेशन में आते हैं। किस में आते हैं? एक्स टू कंजर्वेशन में आते हैं, क्योंकि आपके जो हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अमेजन रेन फॉरेस्ट और हिमालय रीजन, ये तीनों आपके किस में आएंगे? इन सीटू कंजर्वेशन में आएंगे, बिकॉज दीज आर द इकोसिस्टम इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम, उसने क्या दिया था सबसे पहले? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। क्या दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इस वीडियो में आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी वही था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है, जो रिचनेस है, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी वो भी। तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है, हाउ मेनी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल द नॉर्मन मेयर। कि ये कह रहा है कि कितने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं पूरी दुनिया में जो नॉर्मन मेयर ने क्या किया है? आइडेंटिफाइड उनको किया है 25। तो आपका कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो नॉर्मन मेयर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाइड किए गए हैं? 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट है आपका, रेड लिस्ट कंटेन डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो रेड लिस्ट डाटा जो बुक है उसमें क्या है? IUCN इसको बनाती है, जिसमें क्या है उन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है जो क्या है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या होने वाली हैं। तो क्या है, इट गिव डाटा इन्फॉर्मेशन ऑन द थ्रेट एंड स्पीसीज। किस पे? थ्रेट एंड स्पीसीज। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कि इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? ये आपका 2016 में आपका नीट में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखो लोग क्या है जो उसमें लगा देते हैं ब्लू व्हेल, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? रिवर डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हेंगुल। तो ये जो है आपका कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें मस्क डियर या हेंगुल जो है पाया जाता है? तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका आएगा सर इसमें दाचिंगम नेशनल पार्क, जम्मू और कश्मीर। तो दाचिंगम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे मस्क डियर और हेंगुल जो है वहाँ पे नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उसी के लिए फेमस है दाचिंगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका कच्छ का रन है उसको किसके लिए फेमस है? वो आपका
वाइल्ड जो है ऐश उसके लिए प्रसिद्ध है, आपका जो पेरियार है वो सिनेहो लियोपार्ड के लिए, और आपका सुंदरबन जो है डेल्टा किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए इनमें से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अल्टरनेटिवली इन क्वेश्चंस में से कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल और प्लांट बींग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, कि सबसे ज़्यादा प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी किस वजह से लॉस होती है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे ज़्यादा इससे होती है, फिर आपका क्या होता है ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है, फिर आपका एलियन स्पीसीज, फिर को एक्सटिंक्शन होता है। तो जो ऑप्शन नंबर टू है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्पीसीज कन्फर्म टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर, ये कह रहा है जो स्पीसीज सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जगह पाई जाए, कहीं और ना पाई जाए, उसे क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, उसको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अच्छा, ये कीस्टोन क्या होता है, कीस्टोन इज ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प टू डिफाइन एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर सिस्टम को डिफाइन करता है। एलियन स्पीसीज क्या है आपका, जो स्पीसीज बाहर से आई है। रेयर स्पीसीज क्या है, जो स्पीसीज बहुत ही कम देखने को मिलती है या जो स्पीसीज बहुत ही कम है। नेक्स्ट है आपका, यूएन कॉन्फ्रेंस पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन ईयर 2012 वाज हेल्ड एट, तो ये आपका किस में हुआ था, दोहा, दोहा में हुआ था आपका जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था 2012 में, इसके लिए कहाँ हुआ था, दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी किस में हुई थी, 2011, ये कहाँ पे हुई थी, ये आपके साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो ये आपके जो है वर्ल्ड समिट यूएन कॉन्फ्रेंस, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आप देख चुके होंगे, इस वीडियो में रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं सर, ये कहाँ है, ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनमें से रिपीट हुए हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको वीडियो में डाला है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं है। बट इकोलॉजी जो है, मैं आपको जैसे पहले बताया था आपने इकोलॉजी फर्स्ट पार्ट में, कि ये जो है मिनिमम 8 से लेकर 12 तक ये क्वेश्चन कवर करती है, जिसमें से एक दो क्वेश्चंस जो है थोड़े आउट पूछे जाते हैं। वो आउट का मतलब है इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस तरह का डाटा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्टली कॉम्बिनेशन, कि कौन से पेयर हैं जो बिल्कुल करेक्टली ठीक हैं। तो देखो ये कह रहा है, इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, ओके बिल्कुल ठीक है। एक्स टू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन, ये भी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो ये पेयर जो है हमारा पहला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आंसर तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट में आगे हम मैच करते हैं। ये कह रहा है इंस्टीट्यू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, गलत है, क्योंकि क्रायो प्रिजर्वेशन आप किस में आता है, एक्स टू कंजर्वेशन में आता है। एक्स टू कंजर्वेशन में कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप किस में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका आता है इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में आता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी जो है आपका एक्स टू कंजर्वेशन में आना है। तो ये क्वेश्चंस पढ़ के आप सभी को ये अलग अलग नोट कर लेने बहुत ज़रूरी हैं कि इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में कौन कौन से एग्जांपल हैं, एक्स टू में कौन से हैं, ताकि आपके जो है क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएं नीट में। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज, ये कह रहा है जो क्रायो प्रिजर्वेशन है जिसमें गैमेट जो है थ्रेटेंड स्पीसीज के उनको क्या है वायबल करके रखा जाता है, उनको स्टोर कर रखा जाता है, तो एक इसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा एक्स टू कंजर्वेशन का होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा पड़ा है एडवांस एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल ये करेक्ट है, एडवांस्ड एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, इंस्टीट्यू एक्स टू और आपका एंडेमिक स्पीसीज, आपका जो है वर्ल्ड समिट, यूएन कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह, ये तीन चार टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन एज, कि एक्स टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको नेशनल पार्क है इंस्टीट्यू में आता है, सीड बैंक आपके किस में आता है एक्स टू में आता है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रुप आपका किस में आता है, इन सीटू में आते हैं, एक्स टू का पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे करेक्ट है। आपको एक सेकंड नहीं लगेगा इन क्वेश्चन करने में अगर आप ये साथ साथ नोट करते हुए जा रहे होंगे तो। नेक्स्ट है, स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि वो स्पीसीज जो गायब होने की कगार पे है, हाई रिस्क टू एक्सटिंक्शन, उसको क्या कहेंगे हम, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कहेंगे, क्या कहेंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहेंगे उसको हम। नेक्स्ट है, द ऑर्गनाइजेशन विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ द स्पीसीज, उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गनाइजेशन को जो रेड लिस्ट को पब्लिश करती है उसको कहते हैं हम IUCN कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी IUCN की, आई से क्या हो जाएगा आपको इंटरनेशनल, यू से यूनियन हो जाएगा, सी से कंजर्वेशन और एन से नेचर, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू।
नेक्स्ट है आपका, ये आपको दिख रहा है कि आपके पास क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी। तो अगर आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कि इंसेक्ट, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल्स, मोलस्क वगैरह वगैरह। तो जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है आपकी, किस क्या पाए जाते हैं उसमें, सबसे ज़्यादा आपके क्या हैं, ए में आपका क्या भरा जाएगा यहाँ पे, इंसेक्ट भरा जाएगा। जो आपका बी है, बी में क्या आएंगे आपके, बी में आपके आएंगे जी यहाँ पे मोलस्क आएंगे। और सी जो है उसमें आपके क्या आएंगे, क्रस्टेशियन। और थर्ड में क्या आएंगे, अदर एनिमल्स आएंगे आपके डी में। तो इस तरह आपको डायग्राम जो है वो भी करके जाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, के सबसे ज़्यादा ग्लोबल डाइवर्सिटी में कौन पाए जाते हैं इनमें से। तो आपके जो है फंजाई जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, लाइक एन फंजाई, मोसिज, फर्न और एलगी, इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, फंजाई। और इनसे थोड़ी बहुत ही परसेंट जो है एलगी पाए जाते हैं कम। तो एल सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, फंजाई आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4-2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर X2 प्लांट कंजर्वेशन, कि इनमें से कौन सा है जो X2 कंजर्वेशन में यूज नहीं किया जाता। तो देखो यहाँ पे आपका सीड बैंक है, बॉटनिकल गार्डन है, फील्ड जीन बैंक है, चारों हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है X2 कंजर्वेशन में नहीं आता है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसने नॉट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, कि इंडिया का कौन सा एरिया है जो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कहाँ पे है, वो आपका है इसमें वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालय, वेस्टर्न घाट। यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, मात्रा में पाई जाए, उसको क्या कहते हैं हम, वेस्टर्न घाट उसको कहते हैं हम हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड बाई, कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर स्पीशीज कौन सी हैं इन चारों में से। तो अभी आपने पढ़ा था वो क्या है, आपके फंजाई हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है कि क्या है। ये कह रहा है कि लार्ज स्केल प्लांटिंग बीटी कॉटन है जो नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि अगर हम लार्ज स्केल पे बीटी कॉटन की प्लांटिंग करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, गलत है। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सॉइल पे और आसपास में जो उसमें प्लांट हैं, सराउंडिंग्स उन पे भी। वेस्टर्न घाट है वो वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशी एंडेमिक, स्पीशी रिचनेस एंड एंडेमिज्म। तो ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है उस पर बहुत ज़्यादा स्पीशी रिचनेस है और वो क्या है, एंडेमिज्म, मतलब एंडेमिक स्पीशीज भी हैं वहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है कि वेस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा स्पीशी रिचनेस हैं और क्या है, एंडेमिक स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में सबसे ज़्यादा किस पे पाई जाती है डायवर्सिटी, तो वो क्या है आपका, अमेजन फॉरेस्ट, जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। सेक्रेट ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन, जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं किस लिए यूज किए होते हैं, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, उनके लिए सेक्रेट ग्रुप्स जो है यूज किए जाते हैं। तो सेक्रेट ग्रुप आपका इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर, कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीशीज कौन किसी की होती हैं नेचर में। तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज की अगर मैं बात करता हूँ, इनमें से क्या होता है, इंसेक्ट। इन चारों में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कि यहाँ पे आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि अगर आप अपने सराउंडिंग 10 जो है लिविंग्स देखते हैं तो उनमें से 6 क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी क्या है आपकी, राइस की है, जो अप्रोक्स कितनी है, 30,000 है। नेक्स्ट है, द इंडियन राइनोसेरस इज द नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट, की ये जो है राइनोसेरस कहाँ पाया जाता है आपका, ये कौन से उसमें है स्टेट में, असम में जो है उसमें ये पाया जाता है राइनोसेरस, और उसी के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में इन चारों में से सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है आपकी मैंगो की, अप्रोक्स 1,000 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ मैंगो आर फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इन चारों में से कौन सी चीज़ नहीं है। तो एंडेमिज्म होता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज पाई जाती है जो कहीं और नहीं पाई जाए। आपका स्पीशीज रिचनेस भी होता है। ये कह रहा है एसिड स्पीशीज लॉस, तो स्पीशीज लॉस भी होती है। लेसर इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन, कि वहाँ पे जो
इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है वो क्या है, बहुत ही कम है। और दूसरा ये है कि एसोलेटेड स्पीसीज लॉस, तो ये आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है गलत है कि स्पीसीज लॉस वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उसमें गलत हो जाएगा। देन वेट 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 वेट, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा कि द विच वन इज नॉट ऑब्जर्व इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन सा नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जो होता है। तो एंड में स्पीसीज होती है, स्पीसीज रिचनेस होती है, तो ये है आपका एसोलेटेड स्पीसीज लॉस, ये भी होता है। वहाँ पे लिखा पड़ा है कि लेसर इंटरनेट लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, की जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पर्टिकुलरली रीजन पे क्या है स्पीसीज पाई जाती हैं जिनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, सेम रिसोर्स के लिए स्पीसीज कॉम्पीट कर रही होती हैं, तो कॉम्पिटिशन वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा पड़ा है लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पर थोड़ी सी जो गड़बड़ी हुई थी उसके लिए आई एम सॉरी। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जो इसमें पूछा है नॉट। नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2022 वाज हेल्ड इन, ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड समिट हुई थी 2002 में वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी आपकी साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे साउथ अफ्रीका में हुई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, की कौन सी स्पीसीज इनमें से जिनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में उन्होंने क्या किया इन्वेस्टन किया, बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस किया। तो आपका क्या है यहाँ पे, लेंटेना कैमरा एंड वाटर हाइसिंथ, जिसको आप टेरा बंगाल भी कहते हैं, तो ये दोनों क्या हैं इन्वेसिव स्पीसीज थी। ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इंस्टीट्यू कंजर्वेशन, कि इनमें से कौन सा है जो इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो क्या है आपका यहाँ पे इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में इंक्लूडेड जो नहीं है उसको ये पूछ रहा है। तो आपका जो नेशनल पार्क है ये भी होता है, बायोस्फीयर जो रिजर्व है आपका ये भी होता है, बॉटनिकल गार्डन जो हैं आपके ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इंस्टीट्यू में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल इन ए नेशनल पार्क, ही कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है, इसमें इंडेंजर्ड एनिमल भी है और नेशनल पार्क भी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइनोसीरस काजीरंगा नेशनल पार्क, राइनोसीरस काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपका आसाम में है, और राइनोसीरस क्या है ये जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। नेक्स्ट है रीजन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज, कि वाइल्ड लाइफ का एलिमिनेट होना इसका रीजन क्या हो सकता है, डीफॉरेस्टेशन है सबसे ज़्यादा, क्या है डीफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई ये सबसे बड़ा रीजन है वाइल्ड लाइफ का लॉस होने का, एलिमिनेट होने का। मेन रीजन फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो डिस्टर्बेंस होती है सबसे ज़्यादा वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, कि उनके नेचुरल हैबिटेट को सबसे ज़्यादा वहाँ से हटा देना, जंगलों की कटाई होना, ये सभी जो लॉस हैं बायोडाइवर्सिटी के वो क्या हैं ज़्यादा मेजर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, ये कह रहा है आपका एरेनकाइमा ओपेंसिया एज पिरामिड बायोम पार्थेनियम जो है थ्रीट टू बायोडाइवर्सिटी, पार्थेनियम पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस जो है आपका हाइस्ट्रोफोरस, ये क्या है थ्री टू बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये इसमें से आपका कौन सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस थ्री टू बायोडाइवर्सिटी लॉस बिकॉज इट वॉज ए वीड दैट क्रिएट बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड पार्टिकुलर एनिमल कंसर्न, कि इनमें से कौन सा जो है ऑड कॉम्बिनेशन है हैबिटेट एंड पार्टिकुलर एनिमल कंसर्न, देखते हैं क्या कह रहा है। डाचिंगम नेशनल पार्क जो है आपका, डाचिंगम नेशनल पार्क जो है किसके लिए है, हेंगुल जो है डियर, हेंगुल के लिए है डियर के लिए है, तो ये ही आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है यहाँ पे गलत है। बाकी क्या है सुंदरवन जो है आपका किसके लिए है, बंगाल टाइगर के लिए है, मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया था, पेरियार जो है स्नो लेपर्ड के लिए है, कच्छरन जो है वाइल्ड लाइफ के लिए है, तीनों नीचे वाले ठीक हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या है ऑड मैच्ड है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, कि जियोग्राफिकल रीजन में
बायोडावर्सिटी रिप्रेजेंट करती है किसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्पीसीज एंडेमिक टू रीजन, एंडर स्पीसीज फाउंड इन रीजन, डायवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। तो जब द डायवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए रीजन इज द बायोडावर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो बायोडावर्सिटी है जियोग्राफिकल रीजन की किसको रिप्रेजेंट करती है, डायवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, ये इसको यहाँ पे क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, टाइगर इज नॉट ए रेजिडेंट, इट इज वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। जो टाइगर है वो कौन से नेशनल पार्क में है, तो टाइगर जो है आपका सुंदरबन जो डेल्टा है उस वो क्या है उसका सुंदरबन डेल्टा में क्या है आपका टाइगर्स मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, कि आपको करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर देना है कि सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, फिर सबसे कम कौन। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा आपके पाए जाते हैं इन्वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, उसके बाद क्या है आपकी, उसके बाद आपके यहाँ पे फिशेज हैं, और उसके बाद है आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका इन्वर्टिब्रेट, फिर आपका फिशेज है, और उसके बाद है सर आपका यहाँ पे प्लांट्स है, फिर आपका यहाँ पे बर्ड है, और फिर क्या है मैमल्स हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि BACED। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, बी इन्वर्टिब्रेट है, फिर ए पे आपका क्या है फिशेज है, बी के बाद क्या है ए प्लांट है, फिर सी आपका फिशेज है, और फिर उसके बाद क्या है आपका ई बर्ड, और लास्ट में क्या है मैमल है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फोर। प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन इन। तो ये कह रहा है कि जो प्रेजेंस ऑफ प्लांट है उनके अकॉर्डिंग टू हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देख सकते हैं तो आपको कौन से फॉरेस्ट मिलेगा, ये आपको ट्रॉपिकल जो सवाना है वहाँ पे ऐसा मिलेगा कि आपको जो प्लांट हैं ऐसा लगेगा कि ये क्या है हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांटेड हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक रेफर टू, एंडेमिज्म किसको कहते हैं, स्पीसीज रिचनेस कहते हैं, स्पीसीज रिचनेस या कन्फाइंड टू दैट रीजन। स्पीसीज रिचनेस को हम क्या कहते हैं, एंडेमिज्म कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये क्या है, स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर स्पीसीज पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1922 वाज हेल्ड। तो ये किसके लिए ये वहाँ पे हुई थी, टू इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ CFC दैट वर डैमेजिंग द ओजोन लेयर, टू रिड्यूस CO2 एमिशन द ग्लोबल, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी, कि बायोडावर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए और कैसे इसको बचाया जाए, इसके लिए क्या हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में क्या है आपका क्या है अर्थ समिट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नॉन एज, कि ऐसी जगह जहाँ पे क्या है बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने किया गया है और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, कोर रीजन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोर रीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड इन द इंस्टीट्यू कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी, इनमें से कौन सा है जो इंस्टीट्यू कंजर्वेशन बायोडावर्सिटी में नहीं आता है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, सेक्रेट ग्रुप जो है इंस्टीट्यू में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका ये किस में आता है, ये भी इंस्टीट्यू में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंस्टीट्यू में आता है, बॉटनिकल गार्डन आपका इंस्टीट्यू में आता है। तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट होता है अब आपका चैप्टर नंबर सेकेंड एनवायरमेंटल इश्यू। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, डॉब्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ, जो डॉब्सन यूनिट है उसका यूज किया जाता है किसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए। तो आपने देखा होगा DB, ये DB क्या है, डॉब्सन यूनिट, इससे क्या है, डॉब्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की थिकनेस को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, डॉब्सन यूनिट DB। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू,
जो स्नो ब्लाइंडनेस है अंटार्कटिक रीजन में किस वजह से होता है? ड्यू टू द यूवीबी रेडिएशन। ये क्या हो रहा है कि जो कॉर्निया है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, किसी वजह से? हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन। अब वहाँ पे अंटार्कटिक रीजन में ही हाई डोज क्यों है यूवीबी रेडिएशन की? बिकॉज वहाँ से क्या है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो चुकी है, उसकी जो परत है वो घिस चुकी है, जिसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्टली अटैक करती हैं अंटार्कटिक रीजन में, और वहाँ पे लोगों को क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। तो ओजोन होल भी जो मिला था कहाँ पे कहेंगे उसको? अंटार्कटिक रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ, कि 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, साइन किया था, वो किसके कंट्रोल के लिए किया था? एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं जो ओजोन को डिप्लेट करते हैं, ओजोन में को डिप्लेट करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या किया जाए, उनका एमिशन कम कर दिया जाए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एमिशन का जो डिप्लेट कराते हैं ओजोन लेयर को? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, CO2 हो गया, N2O हो गया, बहुत सारी गैसेज हैं जो क्या है उसको डिप्लेट कराती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? एमिशन ऑफ डिक्रीजिंग द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट है, ऐसे भी चीज़ दैट वार इंट्रोड्यूस फॉर ऑर्नामेंटस बट हैज़ ए बिकम ट्रबलसम वीड इन इंडिया। ये कह रहा है कि यहाँ पे इंडिया में एक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए ऑर्नामेंटेशन, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, दिखने में अच्छा था, तो जिसकी वजह से इसको इंडिया में लाया गया, बट वो क्या है, एक वीड बन गया। तो वो क्या था आपका? इकोर्निया। इकोर्निया था, तो इकोर्निया जो है आपने उसमें अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि टेरर ऑफ बंगाल, इसमें इसको क्या किया था, इस प्लांट को, इस ब्यूटीफुल इसमें जो फ्लावर हैं और लीव्स हैं उसकी वजह से इंडिया में लाया गया। तो यहाँ पर लिखा पड़ा है ऑर्नामेंट्स की वजह से लाए थे, तो इसने क्या किया वहाँ पे, वीड, ये एक वीड का एक क्या है, इसने रोल प्ले किया, जिसकी वजह से जहाँ पे ये इसकी ग्रोथ होती है वहाँ से ये सारी ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग्स जो एक्वाटिक एनिमल हैं, फिशेज हैं, वो क्या है, मरने लगे। तो इसलिए ये क्या है, एक वीड है। ऑप्शन नंबर टू आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, व्हाट साइज ऑफ पार्टिकुलेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ये कह रहा है कि कौन से साइज का जो माइक्रोमीटर है जिसकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ को ज़्यादा नुकसान होता है, तो कि अगर उसका साइज जो है 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो ये इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन हेल्थ जो है उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, कि न्यूक्लियर वेस्ट के लिए, न्यूक्लियर जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स, कि रॉक्स में क्या है, बरी किया जाए, जाए उसको दबाया जाए वेस्ट को, एंड डीप बिलो द अर्थ सर्फेस, और अर्थ सर्फेस के बहुत ही अंदर उसको क्या है वहाँ पर दबाया जाए। तो इससे क्या है, डिस्पोजल जो है न्यूक्लियर वेस्ट का ठीक रहेगा, ताकि इससे और चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेनली गैसेज कौन सी हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं आपको? सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पॉलीबैंड ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, पॉलीबैंड क्या होता है, जो रिसाइकल साइकिल है, रिसाइकल प्लास्टिक है उसका फाइन पार्टिकल बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे, हैज प्रूव टू बी गुड मटेरियल, इसका यूज़ किया गया किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया, सड़क बनाने के टाइम इसकी जो लेयर है उस पर डाली जाए ताकि वो पार्टिकल्स जो हैं कंक्रीट जो है आसानी से चिपके रहे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डेड एम फॉर द रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमोसफेयर, ये कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करना है, रिड्यूस करना है इसके एमिशन को, क्योंकि इससे क्या है ओजोन डिप्लेशन होता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उसमें इसको डिसाइड किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर टू। इफ़ एन एग्रीकल्चर फील्ड इज लाइबरेली इरीगेटेड फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ लाइकली टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ, ये कह रहा है कि अगर किसी एग्रीकल्चर फील्ड में लगातार इरीगेट किया जाए बहुत लंबे टाइम तक, तो
तो इट लाइक टू फेस द प्रॉब्लम, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें सेलिनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी, सेलिनिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। ये करा कि थर्मल पावर प्लांट से जो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सके उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। अच्छा यहाँ पर ये भी है कैटलिटिक कन्वर्टर, ये किसमें होता है, ये इंजन वगैरह में होता है, पेट्रोल डीजल के उसमें, ताकि वो क्या कर सके, कार्बन को रिड्यूस के रिडक्शन को कम कर सके, तो ये वहाँ यूज होता है। लेकिन पूछा थर्मल पावर प्लांट में कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, वहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर को एग्जॉस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेज इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल। ये कह रहा है कि जितनी भी बसें थी दिल्ली में, उन सब जो पेट्रोल डीजल चलती थी, उन सबको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। इन रेफरेंस टू दिस, इसके अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन स्टेटमेंट है जो गलत है, तो देखते हैं क्या है। इट कैन नॉट बी एडल्टरेटेड लाइक डीजल, कि ये डीजल की तरह यूज नहीं की जा सकती। सीएनजी बर्न मोर एफिशिएंटली देन डीजल, सीएनजी मोर बर्न एफिशिएंटली देन डीजल, ये ठीक है। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन द सीएनजी बसेज मेकिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, कि सेम इंजन जो है सीएनजी और उसमें बसेज में यूज किया जा सकता है जो डीजल के लिए है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है। इट इज चीपर देन डीजल, बिल्कुल ठीक है। तो आपके फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो पॉइंट है वो ठीक हैं, तो फॉल्स उसने पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट है आपका दूसरी स्टेटमेंट है, आपको बतानी है ये ठीक है या नहीं है। तो एक रहा है इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल। एक रहा है जो स्क्रबर होता है एग्जॉस्ट में थर्मल प्लांट में पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल चार्ज करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज क्या है 2.5 पिकोमीटर से कम होता है कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर, स्क्रबर से रिमूव नहीं हो सकते, बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये भी गलत है, ये इससे भी रिमूव नहीं हो सकते इससे कम साइज वाले पार्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट है वो करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है आपकी रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, कि प्लास्टिक वेस्ट के लिए इनोवेटिव रेमेडी क्या है, कि पॉलीबैंड उसे हम बना दें, क्या है पॉलीबैंड बनाया जाए। पॉलीबैंड क्या होता है, फाइन पार्टिकल होता है रिसाइकल्ड पार्टिकल का, जिसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। एयर एक्ट वाज अमेंडेड इन 1877 टू इंक्लूड अमोंग पॉल्यूटेंट। ये कह रहा है जो एयर एक्ट है उसको मैं जब अमेंडमेंट किया गया था 1987 में, तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया था, नॉइज पोल्यूशन को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, कि 1987 में जो एयर एक्ट हुआ था अमेंडमेंट किया गया था उसमें, तो नॉइज पोल्यूशन को उसमें क्या गया था, ऐड किया गया था। यहां से आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरुलिना इज ए माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये क्रैश से पहले उन्होंने माइक्रोब है जिसका यूज किया जा सकता किया जाता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, पॉइंट ये ठीक है। स्पिरुलिना इज ए रिसोर्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल विटामिन, ये भी यहाँ पे क्या है ठीक है। तो दोनों ऑप्शन अच्छा, यहाँ पे असर्शन का क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों ही जो पॉइंट हैं आपके ठीक हैं, बट द असर्शन डज नॉट फॉलो रीजन, तो दोनों पॉइंट ठीक हैं लेकिन असर्शन रीजन को फॉलो नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट, ओजोन के लिए कौन से है जो बिल्कुल करेक्ट है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेडिएशन, ये गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर इज बैड, ये भी गलत है, ये गुड है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर इज गुड, ये भी बैड है, गलत है। स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, तो ये जो है बिल्कुल ठीक कर रहा है, कि जो ओजोन की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेडिएशन से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस लीड्स टू डिक्रीज इन द फिश ईटिंग बर्ड पॉपुलेशन नियर वाटर बॉडी कंटेनिंग टॉक्सिकेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ड्रेनेज। ये कह रहा कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है, फिश ईटिंग बर्ड जो पॉपुलेशन है कम होती जा रही है,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में टॉक्सिक जो लेवल है बढ़ता जा रहा है, वह एक टॉपिक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर धीरे धीरे क्या है, जब टॉक्सिक लेवल बढ़ता जाएगा तो स्पीशीज वहाँ पे क्या है, कम हो जाएंगी। तो ऐसा क्या है, कैसे वैसे होता है आपका, ये होता है बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका, थिकनेस ऑफ द ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डॉब्सन यूनिट। के थिकनेस और ओजोन कैसे मापेंगे हम, सॉरी डाल्टन डॉब्सन यूनिट में मापेंगे, और डॉब्सन यूनिट का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉब्सन यूनिट। हाई डोज ऑफ UVB कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया एंड इट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जब हाई डोज पड़ती है UVB रेडिएशन की, तो उसे क्या होता है, उसे होता है स्नो ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, स्नो ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो एक रहा स्क्रबर में क्या है, इन स्क्रबर एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन रिमूव, ये रिमूव नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है आपका, रॉन्ग है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिपीट हुआ है, इन स्टेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। कौन सा एलिमेंट है जो ओजोन के डिग्रेडेशन को करता है और रिलीज करता है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को, मतलब वहाँ से जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन करता है, तो कौन सा एलिमेंट है वो, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन करता है और ज़्यादा, और ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोलूटेंट, कि सेकेंडरी पोलूटेंट इसमें से कौन सा है, तो सेकेंडरी पोलूटेंट है आपका इसमें से ओजोन है, ये तीनों क्या है, प्राइमरी पोलूटेंट हैं, तो सेकेंडरी पोलूटेंट कौन सा है आपका इसमें, ओजोन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो जो वर्ल्ड ओजोन डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है आपका 16 सितंबर को, किसको, 16 सितंबर को। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को। एक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो कब होता है, 5 जून, तो ये क्या है, ओजोन डे कब है, 16 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे कब है, 5 जून है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको ये मैच करना है, तो देखते हैं क्या है कि यूट्रोफिकेशन, जो यूट्रोफिकेशन है क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एनरिचमेंट होता है इस प्रोसेस में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट हो जाएगा। सैनिटरी लैंडफिल्स मतलब वेस्ट डिस्पोजल, आपका स्नो ब्लाइंडनेस कैसे होगा, UVB रेडिएशन से होगा, और जूम कल्टिवेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों की कटाई होती है, जंगल ख़त्म होते हैं, तो इस तरह ही आपको मैचिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसेल, एरोसेल के लिए कौन सी सिचुएशन इनमें से जो है वैलिड नहीं है। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, ये भी ठीक है। दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ये गलत है, उल्टा ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत है, और इसने ही नॉट पूछा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ए लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन, ये कह रहा है कि कोई लेक है जिसमें क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या है, मोर्टिलिटी होगी फिशेज की मोर्टिलिटी होगी, मतलब डेथ रेट क्या है, बढ़ेगा उनका, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना कि अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसकी अमाउंट बढ़ जाता है किसी लेक में या पॉन्ड में, तो उससे होगा क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कमी की वजह से क्या है, मोर्टिलिटी होगी वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की। द हाईएस्ट DDT कंसेंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन सेल अकर इन, जो सबसे ज़्यादा इनमें जो DDT कंसेंट्रेशन है वो किसमें है आपकी, सीगल में है। तो देखो आपने क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ DDT इंक्रीज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, तो ये क्या है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सीगल जो है ये सबसे वो ट्रॉपिक लेवल में है इन झारों में, तो इसमें कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है किसकी, DDT की। नेक्स्ट है, डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन द एटमोसफेयर कैन लीड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर, ये कह रहा है इनमें से किसके डिप्लेशन की वजह से जो है स्किन कैंसर हो सकता है, तो ओजोन जो है एयर उसके डिप्लेशन की वजह से, ओजोन के डिप्लेशन की वजह से, कम होने की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है।
जो जॉइंट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो JFM आपने NCERT में पढ़ा होगा, ये कंसेप्ट इंडिया में कब आया, 1980s में JFM आपका आया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है बहुत सारी स्कीम तैयार की गई। नेक्स्ट है ए रिवर विद एन ओ इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, कि कोई रिवर है जिसमें क्या है डोमेस्टिक सीवेज की वजह से ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे होगा क्या, उससे होगा सर वहाँ पे क्या होगी, डेथ होगी फिशेज की ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन आंसर क्या है सेम है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो जाएगी फिशेज की। नेक्स्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD मे नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर द पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज रिसीविंग एफ्लुएंट फ्रॉम, ये कह रहा है BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतनी ज़्यादा BOD होगी वहाँ पे, तो ये कौन सा मे नॉट बी गुड इंडेक्स, कौन सा गुड इंडेक्स नहीं है पॉल्यूशन का इन वाटर बॉडीज में, तो आपका क्या है जो पेट्रोल इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है वो गुड इंडेक्स नहीं है BOD के उसमें, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विद लेग्यूम और ग्रास पॉस्चर टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड, ये कह रहा है सिस्टम है रोटेटिंग क्रॉप जिसमें क्या है कि लोग लेग्यूम और ग्रास पॉस्चर को इम्प्रूव किया जाता के से इम्प्रूव किया जाता है सॉइल स्ट्रक्चर को फर्टिलिटी को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ले फार्मिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ले फार्मिंग। इन एज इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे, ऐसे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक कंसेंट्रेशन, एसिडिक रेन जो है किस वजह से होगी, जब कंसेंट्रेशन बढ़ जाए SO2 की और NO2 कंसेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है, और एसिड रेन होती कब है जब pH क्या हो जाए 5.6 से कम हो जाता है। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, लेक में जो है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाए, तो ये कह रहा है न्यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज लीडिंग टू द किलिंग फिश इन मेनली ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी, किस वजह से होती है जब वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन की लेक ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाए, तो वाटर बॉडीज जब उसमें डाली जा रही हैं जिसकी वजह से क्या ऑर्गेनिक वेस्ट भी उसमें इकट्ठा होता है, उस वजह से होगा क्या ऑक्सीजन की कमी होगी और वहाँ पे फिशेज वगैरह क्या हैं मर जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेसल कार्सन्स फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू, जो साइलेंट स्प्रिंग बुक थी रेसल कार्सन्स की किसके लिए थी, पेस्टिसाइड पोल्यूशन के लिए, कि पेस्टिसाइड से जो पोल्यूशन होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसके बारे में डिटेल में किसने बताया था, रेसल कार्सन्स ने किसमें अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर UV रेडिएशन थ्रू द एटमोसफेयर ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ शेफ्टेड फेस ओजोन, ये कह रहा है कौन सी जो डिसीज है इनमें से नहीं होगी UV रेडिएशन के द्वारा, ये कह रहा है इंक्रीज स्किन कैंसर बिल्कुल ठीक है, इम्यून सिस्टम में वीक होगा बिल्कुल ठीक है, डैमेज होंगी आई, इनक्रीज लिवर कैंसर की लिवर कैंसर होगा ये इसका पोर्शन नहीं है कि जो लिवर को कैंसर है वो UV रेडिएशन से हो, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। द ओजोन ऑफ एटमोसफेयर इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, ये कह रहा है जो ओजोन है एटमोसफेयर में जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं गुड लेयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन सभी जितने भी इस चैप्टर में था कि मुझे लगा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके इस चैप्टर में इस वीडियो में डालने चाहिए थे, वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में डाल दिए हैं जिनको आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देखा होगा, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू वेरी मच।